तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, एके मोटर टॉक। मैं हूं आपका होस्ट रिक्शांश भट्ट, और आज हम आए हैं एमजी हेक्टर के अंदर, जो कि अभी हाल फिलहाल लॉन्च हुई है। इसका फेस लिफ्टेड वर्जन नहीं है, यह पी फेस लिफ्टेड वर्जन है, फर्स्ट जनरेशन। इसमें हम म्यूजिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि 10.25 इंच की आती है। सारी डिटेल में क्या क्या इसमें फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फ्रंट पेज यहां पर ये मिलता है, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लॉक का ऑप्शन दिया जिसे आप बंद कर सकते हैं। यहां पर वन टच में ये खुल जाएगा। यहां पर फोन से आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके यार कर सकते हैं। यहां पर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कर सकते हैं कनेक्ट। यहां पर आपको आईकॉल मिल जाता है, और गाना ऐप भी प्रीमियम आपको मिलता है। इसके अंदर फाइल भी मिल जाती है, जिसके अंदर आप कुछ अपना सेव भी कर सकते हैं, सॉन्ग्स वगैरह। यहाँ पर इनबॉक्स मिल जाता है, सेटिंग्स मिल जाती है, टायर प्रेशर आपको मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री सेल्सियस भी साथ में आपको मिल जाता है, पीएसआई के साथ में ही। यहाँ पर देख सकते हैं कितना टायर प्रेशर है टोटली। और सेटिंग्स पे जाते हैं हम। वाईफाई आपको मिल जाता है, कनेक्ट कर सकते हैं आप वाईफाई डायरेक्टली। ब्लूटूथ, इक्विलाइजर, वॉल्यूम, डिस्प्ले में आप सेटअप कर सकते हैं, नाइट ऑटो वगैरह जो भी, डेट एंड टाइम, व्हीकल सेटिंग कर सकते हैं, कार विंडो, कार लॉक अनलॉक, जो भी सेटिंग्स है, जो कनेक्टेड फीचर्स है, टेल गेन ओपन, पोजीशन कितनी रखनी है आपको, कितना ऊपर, और अदर्स में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वाइपर मेंटेनेंस जो भी है वो आपको यहाँ पर डिटेल बता देगा। यहाँ पर यूजर सेटिंग भी आ गई है, यूजर सेटिंग में आपकी सेटिंग वगैरह जो भी है यहाँ पर देख सकते हैं, नाम आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मूड लाइटिंग, एम्बियंट लाइटिंग वगैरह जो भी है, इंटीरियर की आवाज़ सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सारे बटन दिए हुए हैं। स्क्रीन सेटिंग, यहाँ पर कौन सा आपको स्क्रीन के अंदर कलर चाहिए, यहाँ पर ब्लू कलर आप देख सकते हैं। यूएसबी कनेक्ट देख सकते हैं, कितने एमबी का वीडियो अपन ले सकते हैं, डाल सकते हैं, इसके अंदर मेमोरी दी हुई है। रीसेट फैक्ट्री कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एक्टिवेशन कर सकते हैं। एक्टिवेशन में यहाँ पर जो भी है कंपनी के, वो सारे फंक्शन यहाँ पर रहेंगे। यूजर मैनुअल आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा, और डायरी भी आपको मिलेगी ऑफकोर्स, और एमजी के अबाउट में आप पढ़ सकते हैं। चलिए होम पे जाते हैं। थोड़ा लैग जरूर है, लेकिन जो फील है चलाने का बहुत ही अच्छा है। यहाँ से डायरेक्ट आप यूजर मेन्यू जा सकते हैं। यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन है बता रहा है, कनेक्ट नहीं है, ऑन है। यहाँ पर 4G नेटवर्क आ रहा है, जैसे कि ये स्क्रीन की भी एक सिम दी हुई है तो उसका आ रहा है। GPS यहाँ पर देख लेते हैं हम। टोमटोम का आपको यहाँ पर अजीब नेम का आपको GPS सिस्टम मिलता है। You will arrive at your destination at 5:29 AM. यहाँ पर देख सकते हो वॉइस कमांड के साथ आपको ये अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर नीचे की तरफ बात को यहाँ पर वॉइस कंट्रोल मिल जाता है, और यहाँ पर भी आपको वॉइस कंट्रोल का बटन मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और इस तरह आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं। तो चलिए वापिस हम बैक करते हैं। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस देख सकते हैं, यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल ऑटो ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑन ऑफ, यहाँ से मैं क्लाइमेट कंट्रोल ऑन कर दिया है और ये ऑफ कर दिया है। मैं आपको एक बार सुना देता हूँ आवाजी। यहाँ पर क्लाइमेट आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आपको पूरा यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं मिलेगा क्लाइमेट कंट्रोल का, यहाँ पर ही आपको सारे करने हैं। यहाँ पर मैं फैन स्पीड बढ़ाता हूँ, देखो आप। थोड़ी लेट जरूर है लेकिन यूजफुल है। यहाँ पे कूल हॉट वगैरह टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं, कहाँ पर आपको ले जाना है, कहाँ से हवा चाहिए आपको, वो भी है यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं। ये भी नीचे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो चलिए वापस होम करते हैं। फैन स्पीड ये जो जैसे कि वही यहाँ पर होम कर सकते हैं, और होम के बाद अगर आप दबाएंगे यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। ये एनिमेशन अच्छा, वॉलपेपर अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पर वन टच में नहीं होगा क्योंकि आपको लॉक नहीं करना है, और यहाँ पर कोई आपको मिलता नहीं है। यहाँ पर म्यूजिक भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो चलिए यहाँ पे कॉल्स में जाते हैं, या नेविगेशन है, कॉल्स में आप कॉल्स कर सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद। यहाँ पर जाते हैं ये एग्जी के कंट्रोल्स, ये सेटिंग के कंट्रोल्स, तो कुछ इतना ही है। और मैं यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा व्यू बता देता हूँ।
क्वालिटी की अगर बात को देखिए, अगर फ्रंट यहाँ पर देख सकते हैं डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ आपको अवेलेबल हो जाता है। फ्रंट एंड सब में आपको डायनेमिक गाइडलाइंस मिलेगा। यहाँ पर साइड मिरर का एक देख सकते हैं आप, यहाँ पर अगर आप सेट करेंगे इस साइड का चाहिए किस साइड का भी आपके डिमांड के ऊपर, लेफ्ट साइड का आप यहाँ पर देख रहे हैं और ये राइट साइड का। फ्रंट में कार खड़ी है आप देख सकते हैं, यहाँ फ्रंट का व्यू यहाँ से मिल रहा है, ये आप बैक का व्यू सेट कर सकते हैं। ये ऊपर का व्यू है जो कि चारों कैमरे एक फ्रंट में दो राइट एंड लेफ्ट मिरर के नीचे और एक बैक में दिया हुआ है, जिससे कि एक ऊपर की मिरर इमेज यहाँ पर बन रही है। इमेज क्वालिटी अगर कैमरा क्वालिटी की बात करूँ, फ्रंट की डिसेंट है कोई खास नहीं बोलूँगा, बैक की भी डिसेंट है कोई खास नहीं बोलूँगा, साइड की मुझे थोड़ी ठीक ठाक लग रही है अगर मैं कंपेरेटिवली बात करूँ तो। यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों ही आप सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर फ्रंट में ही अच्छा लग रहा है। ये चेक्स सराउंडिंग फॉर सेफ्टी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं डायनेमिक गाइडलाइंस आपको इसके अंदर भी अवेलेबल हो रही है। एक बार जूम करके मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं डायनेमिक गाइडलाइंस आपको यहाँ पर भी मिल रही है। चलिए रिवर्स कैमरा तो मैंने आपको दिखा दिया, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ, इसको नॉच को ऊपर करते हैं और फिर रिवर्स कैमरा गिरा देते हैं और 360 यहाँ पर नॉर्मली चालू हो चुका है, तो सेम ही है, वो डिफरेंस है नहीं। और DRM भी आपको इसमें ही मिल जाएगा, फ्रंट कैमरा आप ऑन करके चलाइए। तो ये सारे फीचर्स हैं। तो चलिए अब मेन बात करते हैं वॉइस कमांड की, जो इस गाड़ी को सबसे ज़्यादा अभी तक फेमस करके रखी है। नाम लेना है आपको सबसे पहले, हेलो MG। Hi, how can I help? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सनरूफ कैसे बोलते हैं, ओपन सनरूफ। ओपन सनरूफ यहाँ पर देख सकते हैं सनरूफ पूरी तरीके से खुल चुका है, पैनोरामिक सनरूफ आपको इस गाड़ी में अवेलेबल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये ब्लाइंड जो है वो इतने तक ही खुलेगा, वो आपको मैन्युअली यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, देख सकते हैं आप वहां पर, तो कुछ इस प्रकार के आपको ओपन करना पड़ेगा, ना आपको क्लोज करना है तो वन टच में ये प्रॉपरली पूरा क्लोज हो जाएगा। तो ये देखिए, हाँ चलिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, पूरा ओपन कर लेते हैं उसको भी, लाइन को भी ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं हेलो MG, क्लोज सनरूफ। देख सकते हैं ब्लाइंड सनरूफ पूरा ही क्लोज कर देगा। 6 एयरबैग आते हैं इस गाड़ी के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लाइंड पूरी तरीके से बंद हो चुका है। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ट्रैक्शन ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। देखिए ये ऑफ कर दिया मैंने, अब ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन, यहाँ पर देख सकते हो ऑफ ऑन, इसलिए मतलब चला जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आपको कैसी लगी रिव्यू म्यूजिक सिस्टम ऑफ दी MG हेक्टर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग म्यूजिक एंड्रॉइड ऑटो के लिए और ऑक्स, तो ये कुछ मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, इसलिए आप बंद कर दीजिए, शट डाउन कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।